Welcome back to my channel Funix. So in today's video I'm going to show you how you can DIY this tea set. For this you will need cardboard, polymer clay, paints and brushes, tweezers and pliers, glue and scissor, pencil and wire. So let's begin. So guys, I have taken a thin cardboard sheet and on that main is shape ka trace karungi. And also a circle. Trace karne ke baad ab main isko cut karungi. So ye cut ho chuke hain. And now main is cardboard ki shape ko ek cylindrical shape mein fold dungi and usko glue ki help se stick karungi. Now मैंने जो circle cut किया था उसको top पे stick करूँगी मैं. Now मैंने यहाँ पे ये shape cut किया है out of cardboard, thin cardboard, and उसको एक ring के shape से cut करूँगी, so उसको middle का part उसका cut करके निकाल दूँगी. And then यहाँ पे on the top मैंने इस तरह का V shape का cut दिया है, so इसको मैं वहाँ stick कर लूँगी. After that मैंने यहाँ एक वायर लिया है जो easily bend हो जाता है and उसको मैं white paper से cover कर रही हूँ, so ये cover हो चुका है. And now मैं plier की help से उसको folds दूँगी, इससे मेरी handle बनेगी. Now मैंने एक और cardboard का shape cut किया है and उसको इस तरह से fold देके cut किया है. And after that यहाँ पे मैं two holes बना रही हूँ जिसमें मेरा handle, जो मैंने wire का handle बनाया था, उस वो stick करूँगी. तो यहाँ मेरा हैंडल स्टिक हो चुका है. एंड नाउ यहाँ पे मैंने एक जो शेप बनाया था उसको मैं इस तरह से स्टिक कर रही हूँ. आफ्टर दिस मैंने यहाँ एक सर्कल और कट किया है आउट ऑफ कार्डबोर्ड एंड एक कार्डबोर्ड थिन स्ट्रिप कट की जिसको मैं पेंसिल की हेल्प से इसे फोल्ड दूंगी एंड आफ्टर दैट उसको रिंग शेप बना के स्टिक करूँगी. सो इससे मेरा स्टैंड बनेगा जो मैं इस बेस पे लगाऊंगी एंड पे. तो ये लग चुका है. इसी तरह से मैंने एक और रिंग बनाई है जो मैं कैप के लिए यूज़ करूँगी, तो यहाँ मैं कैप के ऊपर भी स्टिक करूँगी. आफ्टर दैट मैंने यहाँ एक वाइट कलर की बीड ली है एंड उसको ऑन द टॉप स्टिक कर दिया है फॉर डेकोरेशन. आफ्टर दिस यहाँ मैंने उसी प्रोसीजर से एक और छोटी कैटल बना ली है एंड उसमें भी मैं उसी के जैसे जो मैंने वो बनाया था हैंडल उसको स्टिक करूँगी एंड कैप भी उस पर सेम वे में स्टिक कर दूंगी. सेम वे में उसका कैप भी बना लूंगी. एंड उस पर भी मैं एक व्हाइट बीट से स्टिक कर दूंगी. जो थर्ड वाला कैटल है गाइस, उसको मैं दोनों साइड से होल्स बनाऊंगी एंड दोनों साइड मैं हैंडल स्टिक करूंगी. सो ये टू हैंडल्स बनाऊंगी यहाँ पे. अब मैं उसका भी कैप बना लूंगी. दोनों के स्टैंड बना लूंगी सो वो इक्वली स्टैंड कर पाए एंड देन उनका कैप बना लूंगी. आफ्टर दिस मैंने इस शेप का एक कार्डबोर्ड का कटआउट कट किया है एंड उसको भी पेंसिल की हेल्प से फोल्ड दूंगी. आफ्टर दैट मैं उसको फोल्ड कर लूंगी जिससे मैं अपनी कप बना सकूं. उसको भी ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूंगी. इसी तरह से मैं बाकी 6 कप्स बना लूँगी. सो यहाँ मैंने 6 कप्स के लिए बना लिए हैं एंड कुछ सर्कल्स भी कट किए हैं एंड एज वेल मैंने हैंडल्स भी बना के रखी हैं. सो सर्कल्स को नीचे एंड पे स्टिक करूँगी. एंड जो हैंडल बनाई थी उसको भी मैं स्टिक कर दूँगी.
सो ये इस तरह से कप बन गई है एक। अब मैं बाकी कप्स भी बना लूँगी सेम वे में। सो कप्स बन गई है, अब प्लेट्स बनाना है। सो यहाँ मैंने कुछ सर्कल्स काट के रखे हैं एंड उनको बीच में से हल्का सा कट देके ऑन टॉप ऑफ ईच अदर मैं ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक करूँगी। सो उसमें हल्का सा फोल्ड आ जाएगा। सो इसी तरह से मैं बाकी जो प्लेट्स के लिए मैंने सर्कल्स कट किए उनको भी प्लेट्स बना लूँगी। सो यहाँ मेरी प्लेट्स भी रेडी हो चुकी है। अब उनके स्टैंड के लिए यहाँ मैंने कुछ रिंग्स बना ली हैं कार्डबोर्ड की एंड उनको मैं नीचे स्टिक कर दूंगी सो दैट वो स्टैंड बन जाएगा। सो इट्स ऑल रेडी, यू कैन सी दिस इज द स्पून। सो स्पून बना लिया एंड नाउ पॉलीमर क्ले की हेल्प से मैं उसको शेप दूंगी एंड फिनिशिंग दूंगी। सो यहाँ शेप देना स्टार्ट कर रही हूँ पॉलीमर क्ले से। सो लुक, ये शेप दे दिया है एंड ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी कैटल्स एंड कप्स में भी शेप्स दूंगी। एंड स्कल्पटिंग टूल की हेल्प से मैं उसको बचे हुए एजेस को स्मूथ कर लूंगी। नाउ यहाँ पे जो मैंने प्लेट्स बनाई थी उनको भी कर रही हूँ मैं इसी तरह से, कैप्स को भी कर लूंगी। सो ये सब हो चुके हैं, सबको मैंने पॉलीमर क्ले से फिनिशिंग दे दी है। As you can see, सब रेडी हो गए हैं, सब ड्राई भी हो गए हैं। नाउ मैं यहाँ पेंट करना स्टार्ट करूँगी। सो मैंने ये सबको वाइट पेंट करने का सोचा है तो यहाँ पे मैं वाइट पेंट करूँगी। वाइट फैब्रिक पेंट से सारे यूटेंसिल्स को मैं कवर कर दूँगी। तो ये सब मैंने वाइट पेंट कर लिया है। आफ्टर दिस मैं मरून पेंट से सब पे डिजाइन दूंगी, कुछ रॉयल डिजाइन्स दूंगी। सो यहाँ मैं फ्लोरल डिजाइन के लिए फ्लावर्स बना रही हूँ। उस पे मैं ब्लैक पेंट से भी थोड़ा सा टचअप दूंगी, थोड़ी सी हाईलाइट दे दूंगी। एंड ऑन द कैप्स मैं इस तरह से डिजाइन दूंगी, जिगजैग डिजाइन। सेम वे मैं बाकी कैटल्स पे भी सेम डिजाइन कर दूंगी मरून एंड ब्लैक पेंट से। नाउ प्लेट पे भी मैं फ्लोरल डिजाइन दे रही हूँ। सारी प्लेट्स पे सेम डिजाइन दूंगी। एंड कप्स पे भी मैं फ्लोरल डिजाइन दूंगी ब्लैक एंड मरून पेंट से।
उससे मैं जो कैप बनाया था उस पर जो बीट्स लगाई थी उनको गोल्डन पेंट करूँगी एंड थोड़ा सा टचअप भी दूंगी गोल्डन से। यहाँ पे गोल्डन से उसकी हैंडल्स पे टचअप दूंगी। तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने स्पून भी बना लिया है एंड उसको सिल्वर मेटालिक नेल पेंट से कलर कर दिया। तो ये सब रेडी हो चुका है एज यू कैन सी। थ्री कैटल्स एंड सिक्स कप्स एंड प्लेट्स विथ वन स्पून सो ऑल आर रेडी। नाउ यहाँ पे मैंने एक ट्रे बनाई है आउट ऑफ कार्डबोर्ड एंड उसको भी फ्लावर के डिज़ाइन से पेंट किया है एंड उस पर ये सब रख के मैं डेकोरेट कर लूँगी। सो यार यू कैन सी सब रेडी हो चुका है, बन गया है। इट वॉज वेरी ईजी एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।